टॉक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोगों को साइकिल दिखाने वाला हूँ अपनी। तो ये है BMW की साइकिल, आप लोग देख सकते हो BMW। तो बेसिकली आप लोगों ने YouTube पे बहुत सी मर्सिडीज की साइकिल देखी होंगी, BMW की साइकिल देखी होंगी, लेकिन इस व्लॉग में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आपको ऐसी साइकिल खरीदने के लिए मिल रही है तो खरीदनी नहीं है, रीजन बताऊंगा। बोझो चल साइकिल चलाएंगे। ये देख आंखों में इसके देख रिंग लाइट दिख रही है, आए गजब। तो गाइस ये है BMW की साइकिल, लेकिन एक्चुअल में ये जो साइकिल है ये BMW ने नहीं बनाई, और आपने जितनी भी मर्सिडीज की साइकिल भी देखी है ना यूट्यूब चैनल्स पे, वो भी एक्चुअल में मर्सिडीज की साइकिल होती नहीं है। ये सब काम चलाओ साइकिल्स हैं, सब चाइनीज मेड साइकिल्स हैं। इनके ऊपर बस स्टिकर्स लगा दिए जाते हैं अलग अलग कंपनी के, जैसे अगर आप ये देखो BMW का, तो ये भी स्टिकर है जो इस साइकिल पे लगा दिया है, और सेम साइकिल पे आपको मर्सिडीज का स्टिकर भी लगा देखने को मिलता है और फरारी का स्टिकर भी देखने को मिलता है। मतलब फ्रेम सेम होता है, साइकिल सेम होती है, बस स्टिकर बदल देते हैं। कोई BMW का लगा लेता है, कोई मर्सिडीज का लगा लेता है, और लोग खुश हो जाते हैं, लोग सोचते हैं यार कि हमने BMW की साइकिल खरीद ली, हमने मर्सिडीज की साइकिल खरीद ली। एक्चुअल में मर्सिडीज हो गई या BMW हो गई, ऐसी साइकिल बनाते ही नहीं है। ये जेन्युइन BMW या मर्सिडीज की साइकिल है ही नहीं, ये चाइनीज साइकिल है, ये नकली साइकिल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये साइकिल पूरी खराब है, इसमें कुछ चीजें अच्छी भी हैं जो आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन ओवरऑल मुझे ये साइकिल वर्थ इट नहीं लगी। क्योंकि अगर आप इसके प्राइस की बात करोगे तो ये साइकिल आपको मिलेगी 15,000 से 20,000 रुपए के बीच में, डिपेंड करता है कि आप कौन से बायर से खरीद रहे हो और आप कितना ज्यादा नेगोशिएट कर सकते हो। तो 15,000 से 20,000 रुपए के अंदर आपको ये वाली साइकिल मिल जाएगी। मर्सिडीज, BMW, फरारी तीनों सेम है, बस कलर और स्टिकर का फर्क होता है, बाकी साइकिल यही होती है। अच्छा एक चीज और है, आप इस साइकिल का फ्रेम देखो, सिंगल फ्रेम साइकिल है और ये फोल्डिंग साइकिल है जिसको आप इजीली ले जा सकते हो। तो फोल्ड करने के लिए यहाँ पे एक्चुअल में एक ये देख सकते हो, इसको लीवर को हमें ऐसे ओपन करना पड़ता है, इसको ऊपर करना पड़ता है और ये ऐसे करके फोल्ड हो जाती है। ये ऐसे फोल्डिंग साइकिल है, देख रहे हो ये फोल्ड हो गई। अब इस साइकिल को ले जा सकता हूँ मैं इजीली, कार में रख सकता हूँ, कहीं ट्रैवलिंग करने जा रहा हूँ तो ये साइकिल बहुत काम आएगी। इसकी सीट भी एडजस्टेबल है, इसको बस ओपन करो लीवर को और सीट को एडजस्ट करो हाइट अपने अकॉर्डिंग, उसके बाद इस लीवर को बंद कर दो। तो अभी मैंने इस साइकिल को अपनी हाइट के अकॉर्डिंग कर रखा है, तो ये मेरी हाइट के अकॉर्डिंग है, मैं इसको इजीली चला सकता हूँ। और इसमें गियर्स भी हैं, प्रॉपर 7x3 गियर्स हैं, यहाँ पे आपको 7 गियर्स देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे 3 गियर्स देखने को मिल जाते हैं जिन्हें आप चेंज कर सकते हो बहुत इजीली। यहाँ पे आप लोगों को ये प्रोटेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, कहीं आप साइकिल भेड़ते हो तो इस पे लगता है, आपके हाथ पे नहीं लगता है, जो कि अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आप लोगों को ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं, फ्रंट और रेयर ब्रेक्स। फ्रंट और रेयर ब्रेक्स इस साइकिल के बहुत ज़्यादा ख़राब है, और ये सिर्फ इसी साइकिल के साथ नहीं है, इस टाइप की आप जितनी भी साइकिल लोगे ना उन सभी के ब्रेक्स बहुत ख़राब रहते हैं। इसमें कहने को डिस्क ब्रेक दिए जाते हैं, इसके डिस्क ब्रेक देख सकते हो आप लोग, ये डिस्क ब्रेक हैं, लेकिन ये बहुत ही घटिया ब्रेक्स हैं, ये इनसे काम नहीं करते हैं। देख सकते हो इसमें आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं, इस साइकिल का पूरा लुक चेंज कर देते हैं, और तभी ये साइकिल्स लोगों को ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि इसके जो अलॉय व्हील्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगते हैं और ओवरऑल साइकिल को एक बहुत इंप्रेसिव लुक देते हैं। लेकिन सिर्फ लुक्स के अलावा इस साइकिल में कुछ नहीं है, ये चलने में उतनी अच्छी नहीं है, ये कम्फर्टेबल नहीं है, इसके ब्रेक्स लगते नहीं है और ये उतनी मजबूत भी नहीं है। तो सिर्फ अगर आपको लुक्स के लिए एक साइकिल लेनी है, एक शो पीस लेनी है कि हाँ मेरे घर पे खड़ी रहे, तो आप इसको ले सकते हो। अदरवाइज अगर आप सोच रहे हो कि आपको साइकिलिंग करनी है, आप डेली आपको थोड़ा बहुत वेट कम करना है, डे टू डे लाइफ के लिए साइकिलिंग करना चाहते हो, रोज साइकिलिंग करना चाहते हो घर से निकलकर पार्क तक, तो ये साइकिल साइकिलिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं बनी है। ये बहुत कमजोर साइकिल है और मजा भी नहीं आएगा आपको चलाने में, कंफर्टेबल तो है ही नहीं, तो ये साइकिल डे टू डे लाइफ के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपको एक मजबूत साइकिल चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, ऐसी एक साइकिल ले सकते हो। ये बेसिकली डीकैथलॉन से मैंने ली थी और ये साइकिल एक्चुअल में काफी मजबूत साइकिल है। इसका फ्रेम भी देख सकते हो, प्रॉपर साइकिलिंग वाला फ्रेम है, दिखने में भी स्टाइलिश है और एक्चुअल में यूजफुल साइकिल है। ये चलती भी बढ़िया है, इसके ब्रेक्स भी दमदार है और ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल भी है। मतलब ये सीट देख रहे हो, तो इस सीट के ऊपर एक कवर लग जाता है, वो लगा लो ना तो ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। तो ये एक्चुअल में इसको साइकिल बोलते हैं, ये साइकिल है, वो साइकिल नहीं है, वो सिर्फ स्टाइल है, वो सिर्फ लुक है। तो अगर लुक के लिए अगर आपको साइकिल खरीदनी है तो उसको खरीद सकते हो, एक्चुअल में यूजेज के लिए साइकिल खरीदनी है तो इसको खरीदो, ये साइकिल है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डीकैथलॉन की खरीदो, किसी भी कंपनी की खरीद लो, साइकिल तो बहुत से ब्रांड्स की आती हैं, लेकिन एक्चुअल साइकिल खरीदनी है तो आपको ऐसी साइकिल के लिए जाना पड़ेगा। क्या हो गया इसको? लेकिन ऐसी साइकिल्स सिर्फ लुक्स के लिए होती हैं और कुछ नहीं। तो गाइस आई होप आप सभी को आज का वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, मैंने आप लोगों के डाउट क्लियर कर दिए। यूट्यूब पे
इतनी वीडियो देखी है मैंने इन साइकिल्स के बारे में, लोग बोलते हैं मैंने मर्सिडीज की साइकिल खरीद ली, मैंने मर्सिडीज बेंज की साइकिल खरीद ली, मैंने बीएमडब्ल्यू की साइकिल खरीद ली, फरारी की साइकिल खरीद ली। तो एक्चुअल में ये सब साइकिल्स चाइनीज मेड साइकिल्स हैं, इन पे बस स्टिकर्स लगा दिए जाते हैं, ये रियल कोई मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू नहीं बनाता ऐसी साइकिल्स, मर्सिडीज की ऐसी साइकिल नहीं आती है, बीएमडब्ल्यू की ऐसी साइकिल नहीं आती है। तो ये सब नकली साइकिल्स हैं, सिर्फ लुक के लिए अगर आपको साइकिल खरीदनी है, स्टाइलिश के लिए साइकिल खरीदनी है तो आप इस साइकिल को खरीद सकते हो, अदरवाइज आप नॉर्मल ब्रांड्स की साइकिल ले लो, वो ज्यादा बेटर रहता है, वो चलने में ज्यादा अच्छी रहती है। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और अभी तो लॉकडाउन चल रहा है इस वजह से हम बाहर जाकर साइकिल चला नहीं पाए, वरना आपको और मजा आता इस वीडियो में। बट फिलहाल आई होप आप सभी को मजा आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। उधर वो करके आ रहे हो।